अमर शहीद अशफाकउल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के उद्घाटन से एक दिन पहले वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने चिड़ियाघर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने चिड़ियाघर के बाड़ों में चीता, शेर, सर्प, मगरमच्छ सहित अन्य जानवरों के रखरखाव की जानकारी ली तथा उनके बाड़े की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसके संबंध में वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार को चिड़ियाघर का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया जाएगा। यह गोरखपुर वासियों के लिए हर्ष का विषय है और गोरखपुर सहित पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर बन जाने से गोरखपुर सहित यहां से सटे अन्य प्रदेशों के लोग भी आकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। इसी के साथ गोरखपुर टूरिज्म की दृष्टि से और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो देश के किसी भी चिड़ियाघर में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन चिड़ियाघर के कार्यों की समीक्षा करते आ रहे हैं, जिसके कारण यह संभव हो पा रहा है और इतना बड़ा चिड़ियाघर गोरखपुर को मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक पवन वर्मा, DFO अविनाश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, बजरी कर एक में रोको। अरे सुनो, ले आओ भैया, ले आओ, मंत्री जी बैठाओ उसका। दोनों गाड़ियां जो है लगी है ना, थोड़ा फर्क रही है। अब कमी रहेगा, यही वाले तो विजुअल चाहिए थे। हो गया काम पूरा, हो गया। बस 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 मर्जी से खाइए ना जे तांदर वहाँ। रोज के लिए थोड़ा देना पड़े, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। ये पार्किंग है, ये लखनऊ से आई थी रखने में। नारद जी सर, यही रहना बेटा कल। नारद नारद, हाँ सर की आवाज़ पहचानता है क्योंकि सर कंटिन्यूसली चलते हैं ना सुबह। नारद बस 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 है मैलानी। नहीं सर, आपके सामने सर खोलेंगे। बस खोल के दिखाओ पेटों में क्या क्या चाहिए। मैलानी हाँ बेटा, मैलानी दाई मैलानी 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 हाँ हाँ आ गया।
नवा पटो भी कम गया हम बताएं रात में गए तो थे हम लोग हम थे रात में बैलेंस करना पड़ा वो इधर से उधर होगा कहीं गिर जाए वही डिफिकल्ट जो रात को खड़े होकर मैं 12 बजे पर तीन मैंने नहीं बैठो रहा हफ्ते में एक बार क्या देते हो चूहा देते हैं चूहा जिंदा या मरा हुआ ना जिंदा सर जिंदा देते जोर से बोलो जोर से बोलो हफ्ता में एक बार खाती है अरे खाना नहीं क्या करता है थोड़ा बताओ ये घूमता है इसके बाद इसमें लगता है अरे भाई सेंट गोवा नहीं मिला क्या चलो मजा देखिए मैं तो पूर्वांचल के लोगों को खास करके गोरखपुर के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने दिन तक इस उत्सव अवसर
का लोगों ने इंतज़ार किया। अब वो इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है। कल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों द्वारा इसका शानदार शुभारंभ होने वाला है, कल हो जाएगा। इसके बाद ये चिड़ियाघर की जो भव्यता है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कुछ गिने चुने चिड़ियाघर में इसका नाम है होगा। और आने वाले दिन में गोरखपुर के साथ साथ इस पूर्वांचल के लोग इसका आनंद उठाएंगे। और मैं बेबाकी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में टूरिज्म और इको टूरिज्म का बहुत बड़ा हब जो है ये गोरखपुर बनने जा रहा है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि आइडियल ये चिड़ियाघर जो है, ऐसा चिड़ियाघर हो गोरखपुर में जो देश में, या मैं तो कहूँ कि दुनिया में कुछ ही ऐसे चिड़ियाघर होंगे जो गोरखपुर के मुकाबले होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच रही है उसके अनुसार वन विभाग ने पूरी तरीके से इसकी तैयारी की है। और उसी तरीके के, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग डे बाय डे करते रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिज्ञासा के साथ साथ पूरी जानकारी इस वन्य जीव के बारे में है, इसकी सुरक्षा के लिए भी, बाड़ों के बारे में भी। वो आप जानते हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस तरीके के जानवर यहाँ आ रहे हैं जो अन्य चिड़ियाघर में नहीं पाए जाते हैं इस प्रदेश के। ये तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि पे जो आशीर्वाद दिया है, उन सारे आशीर्वाद में इतनी ताकत थी। क्या देश के माने जाने चिड़ियाघर का 2009 के बाद आपने देखा होगा दशकों तक जिसकी कोई पूछ और पहचान नहीं थी, आने वाले दिन में न केवल पूर्वांचल में बल्कि प्रदेश और देश में इसकी पहचान चिड़ियाघर की होगी। ये केवल और सिर्फ केवल माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से ही संभव हो पाया है।